आइए घर के एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। जस्ट लुक एट दिस जनाब, ब्यूटिफुल। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस हाउस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। लुक एट दिस लाइट शैंडेलियर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट होम में। आज का जो टूर है वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है, क्योंकि ये जो घर है ये आपने पहले ऐसा कभी भी एक तो घर नहीं देखा होगा, सेकेंडली ये हमारे चैनल में सबसे थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन है जी। मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर पर ये घर बना हुआ, एक कनाल का घर कॉर्नर का, और 20 मरला से थोड़ा सा स्क्वायर फीट इसका ऊपर है जी। और इसकी प्राइस को हम आपको वीडियो के एंड तक, आप रहिएगा, आपको वीडियो पूरी देखिएगा, काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो चैनल को, और वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इसकी जो प्राइस है हम एंड पे डिस्क्लोज़ करेंगे। आइए घर का विजिट स्टार्ट करते हैं जी। इसके बिल्कुल राइट साइड पे पूरा इस एरिया के अंदर आपका ग्रीन एरिया, एज़ यू कैन सी ग्रीन जो एरिया है ये बिल्कुल, उसके सामने जो है वो टाइल्स, इम्पोर्टेड टाइल्स, रॉक वॉल का काम हुआ हुआ। इसके अगर मैं आपको बाहर से लॉन दिखा सकूं तो ये जनाब इसका सारा का सारा सराउंडेड है जी दोनों साइड्स के साथ। और आइए ये जनाब इसका घर का फ्रंट एलिवेशन। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन, ये पर्सनल फेवरेट है जी मेरा। ये आइए देखिए इसके जो उसका रैंप है, ये खूबसूरत किस्म की विंटेज लुक प्रोवाइड कर रही है इसके टाइल्स। बिल्कुल सामने इसका जो गेट है, अगेन एक एक जो एलिमेंट है इस घर का वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसके ओवरऑल डिज़ाइन फिलॉसफी और आर्किटेक्चर के साथ। इसका आयरन का गेट आ गया जी, इसके अंदर वुडन का बहुत खूबसूरत सा काम हुआ हुआ। ये जनाब इसका आ गया पोर्च का एरिया, गैराज, जिसमें मेरे ख्याल है इजीली तीन गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। राइट साइड पर इसका आउटर लॉन, बहुत खूबसूरत जो है वो घर की प्लांटेशन हुई हुई, अगर आप देख सकें बहुत खूबसूरत जो है इसमें प्लांटेशन है जी। इस घर की मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इस ये सारा फर्निश्ड घर है जी, प्राइस इसकी बहुत मुनासिब, बहुत ही मुनासिब इसकी प्राइस है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए इस घर की एंट्रेंस की तरफ चलते हैं जी। ये रही इसकी खूबसूरत सी विंटेज लुक प्रोवाइड करती हुई इसकी एंट्रेंस, इसकी सीलिंग पे वुडन के बहुत खूबसूरत पैनल का काम। जस्ट लुक एट दिस लाइट ग्लो, बहुत खूबसूरत विंटेज रेट्रो लुक गुलाई के अंदर इसका मेन एंट्रेंस। यहाँ से भी बाय द वे आप जा सकते हैं घर के अंदर, लेफ्ट साइड की जो स्ट्रीट है वहाँ से किचन से इसकी एक्सेस है। आइए घर के एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। जस्ट लुक एट दिस जनाब, ब्यूटीफुल। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस हाउस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। लुक एट दिस लाइट शैंडेलियर, बहुत खूबसूरत। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये इम्पोर्टेड टाइल्स हैं जी इसकी। सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत। आइए इसके पहले हम ड्राइंग रूम अब्लिक डाइनिंग की तरफ चलते हैं। ये जनाब इसका वुडन का फ्लोर, हर एक चीज़ इस घर में ऑलरेडी प्लेस्ड है जनाब। सोफ़ों का डिज़ाइन देखिए आप, बहुत खूबसूरत। कर्टन सब कुछ इंस्टॉल्ड है जी इस घर के अंदर। आपको यू जस्ट हैव टू शिफ्ट इनटू दिस हाउस, यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनीथिंग विदाउट यूजिंग एनी ऑफ योर प्रीवियस फर्नीचर जनाब। ये जनाब इसके आके सामने TCL का, इसके अंदर इन्वर्टर, AC, फायरप्लेस। आइए अब हम डाइनिंग एरिया की तरफ मूव करते हैं जी। इसका डाइनिंग का एरिया, इसके अंदर इसका अगर आप जो डोर देखें तो बहुत हाई क्वालिटी वुडन जो है वो डोर यूज़ किया गया है। खूबसूरत सी इसकी जो है डाइनिंग टेबल, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लाइट स्प्रिंग शेप के अंदर, वाह। ये जनाब इसकी आ गई आपकी लॉबी,
का एरिया, बिल्कुल सामने इसका पाउडर रूम आ गया। पाउडर रूम के ऊपर बिल्कुल अगर आप देखें तो वुडन का बहुत खूबसूरत जो है वो काम हुआ हुआ, उसके ऊपर बिल्कुल शैंडलियर आ गया। लेफ्ट साइड के ऊपर उसका स्टेयर केस है, ज़बरदस्त। आई हैवंट दी सीन दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल हाउस बिफोर, इट्स सर्टेनली वन ऑफ माई फेवरेट्स नाउ। ये जनाब इसका बाहर खूबसूरत सी एक टेबल आ गई। इसका पाउडर रूम दिखाते हैं आपको। पोर्टा की इसके अंदर वैनिटी, जस्ट लुक एट दिस। आइए अब हम इसके टीवी लाउंज की तरफ चलते हैं। ये जनाब इसका आ गया टीवी लाउंज, वाह। सामने इसकी मीडिया वॉल, खूबसूरत जो है क्यूबिक शेप के अंदर डिज़ाइन किए गए सोफ़ा, साइड टेबल्स बहुत खूबसूरत। फिर जो इसके डेकोरेशन पीसेस हैं, जस्ट लुक एट दिस, अ ब्यूटीफुल दिस वॉल इज़ लुकिंग जी, ज़बरदस्त। ये जनाब इसकी आ गई लॉबी के एरिया, जो कि जाता है आपके बेडरूम्स की तरफ। उसमें जाने से पहले आपको मैं इसका किचन दिखाता चलूँ तो वाह, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप एक चीज़ देखें तो मिक्सचर नहीं है इसमें, घर में खिचड़ी नहीं बनी हुई। जो डिज़ाइन फिलॉसफी इन्होंने स्टार्ट की मेडिटेरेनियन थीम के साथ, वो हर चीज़ आपको उसके एक एक कोने में घर के अंदर आपको फील होगी। एक एक छोटा छोटा एलिमेंट जो है वो उसी थीम के अंदर। टाइल्स अगर आप देखें जनाब, मैसिव टाइल्स हैं जी, वाह, एब्सोल्युटली स्टनिंग जनाब, बहुत ज़बरदस्त। आइए इसके किचन की तरफ चलते हैं। ये जनाब आ गया रेज का इसका ओवन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर का एरिया। कैबिनेट्स पे अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये जनाब वुडन का हर चीज़ जो है वो वुडन की यूज़ की गई है, प्लाईवुड की नहीं है। रेज की किचन रेंज, उसी का स्टोव, बहुत विंटेज सी है, खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट बड़ा पसंद है ये एरिया इस घर का। और ये हायर का इसका रेफ्रिजरेटर, इसका फ्रिज आ गया, डर्टी किचन, इसका डर्टी किचन है जी, जो कि आप यहाँ से इजीली बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। आपको अगर एक छोटा सा ग्लास दे सकूँ, ये है जी, यहाँ से आप इजीली बाहर को मूव कर सकते हैं। आइए घर के दूसरे एरियाज की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं जी इसके बेडरूम की तरफ। ये रहा जी इसका फर्स्ट एंड अ ब्यूटीफुल बेडरूम, लुक एट दिस जनाब। वुडन फ्लोर आ गया, यहाँ पे आ गया जी इसका बेड, बेड के बिल्कुल सामने मीडिया वॉल, छोटा सा खूबसूरत सा कारपेट। इसकी बेड वॉल पे देखिए कितना खूबसूरत वुडन का काम हुआ हुआ, TCL की LED कर्टन्स बहुत खूबसूरत। आइए इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं जी। पोर्टा की इसकी वैनिटी है, इसके साथ कंसील्ड कमोड ग्रोहे का, लेफ्ट साइड के ऊपर इसका शॉवर का एरिया, और इसके लेफ्ट साइड पे आपका आ गया वार्डरोब। अगेन वार्डरोब उसी स्टाइल थीम के साथ, जो वुडन इसका कलर पूरे घर में यूज़ हुआ हुआ, तो उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने इस घर को डिज़ाइन किया है जी। इसका सामने बिल्कुल टीवी लाउंज में इसका शैंडेलियर भी है। और ये दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि इसका मास्टर बेड है जी। ये रहा इसका मास्टर बेड, वुडन का खूबसूरत सा फ्लोर, सामने बेड के इसके कारपेट आ गया, बेड वॉल, साइड टेबल्स बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ।
बिल्कुल लेफ्ट साइड पे उसकी जो है वो सोफ़ा चेयर्स, उसके सामने बिल्कुल उसकी मीडिया वॉल पेंटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल, और ये रहा इसका वॉशरूम। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, दिस कलर स्कीम वाज यूज्ड इन दिस, ज़बरदस्त, हर एक चीज़ बहुत हाई क्वालिटी प्रीमियम मटेरियल इस पूरे घर में, एक एक चीज़, एक एक छोटा छोटा जो एलिमेंट है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का यूज़ हुआ हुआ। लेफ्ट साइड में इसकी वार्डरोब, बिल्कुल सामने उसका आ गया जैकूजी का एरिया, ज़बरदस्त। ये और यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये आ गया कंसील कमोड और उसके साथ शॉवर का एरिया जो कि रेन शॉवर है। आइए अब दूसरे जनाब बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये थे इसके टीवी लाउंज और इस वाले फ्लोर पे दो बेडरूम। आइए अब उसके ऊपर वाले फ्लोर की तरफ मूव करते हैं जो कि आप जा सकते हैं इस स्टेयरकेस के थ्रू, जो कि काफ़ी अनकन्वेंशनल डिज़ाइन है इस घर का, और एक जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है काफ़ी डिफरेंट है। आपको एक व्यू दिखाता हूँ इस घर का, बहुत ही खूबसूरत। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल शैंडेलियर। यहाँ से अगर आप मूव करें तो ये आ गया आपका लेफ्ट साइड पे एक ज़बरदस्त किस्म का टीवी लाउंज जो कि फर्निश्ड है जी ऑलरेडी। हाउ ब्यूटीफुल दिस व्यू इज़ लुकिंग जनाब। सामने इसकी मीडिया वॉल TCL की LED इंस्टॉल्ड क्यूबिक शेप के अंदर, वही उसी डिज़ाइन फिलोसफी में जो पूरे घर में एक एक एलिमेंट यूज़ किया गया वही फॉलो करते हुए इस सोफ़ा के अगर आप डिज़ाइन को देखें तो क्यूबिक शेप में, बिल्कुल साथ इसका ओपन किचन, रेज की किचन रेंज और उसी का ही स्टोव। बारबेक्यू एरिया में जाने से पहले आपको बेडरूम दिखाता चलूं। ये जनाब ऊपर वाले फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, अगेन स्पेल बाउंड टू सी दिस डिज़ाइन, वुडन का फ्लोर, बेड मीडिया उसकी इसकी बेड वॉल आ गई, दोनों साइड टेबल्स, लेफ्ट साइड के ऊपर ये आ गई आपके सोफ़ा चेयर्स, उसके बिल्कुल सामने खूबसूरत एक सिंपल सी मीडिया वॉल आ गई। इसके साथ अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो लेफ्ट साइड पे इसका खूबसूरत एक ओपन एरिया भी है, ईजिली आप यहाँ पर मॉर्निंग टी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप बारबेक्यू में एरिया में आपको बाद में लेके चलूँगा जी, ये इसके वॉशरूम में चलते हैं। सामने पोर्टा का इसकी वैनिटी, अगेन कंसील कबोर्ड, लेफ्ट साइड के ऊपर आ गया आपका शॉवर का एरिया, टाइल्स और ये इसकी खूबसूरत सिंपल सी सीलिंग। लेफ्ट साइड के ऊपर इसका अगेन उसी डिज़ाइन के अंदर जो है वो वार्डरोब्स वुडन टेक्सचर के अंदर, ज़बरदस्त। आइए इसके दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं जो कि आप जा सकते हैं इजीली फ्रॉम हेयर। ये जनाब इसका ऊपर सेकंड बेडरूम, स्मॉल सा टाइनी सा खूबसूरत सा, हर चीज़ इसमें इंस्टॉल्ड है, यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनीथिंग एक्सेप्ट योर क्लोथ्स एंड एट्सेट्रा दोज थिंग्स। ये आ गया आपका बेड, ये आ गया आपका फ्लोर, उसके सामने खूबसूरत है कारपेट, सोफ़ा चेयर्स, साइड टेबल्स, इन्वर्टर एसी, उसके बिल्कुल सामने आ गया आपकी मीडिया वॉल और इसका बेडरूम। वॉशरूम की तरफ अगर चलें, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट डिज़ाइन इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ, टाइल्स बहुत खूबसूरत, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हाई क्वालिटी की इस घर में लगी गई है। आप देख सकते हैं, आप बल्कि विज़िट कीजिए, मैं आई वुड रिकमेंड कि आप इस घर को ज़रूर विज़िट कीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हैं उन पर कॉल कीजिए और आपको इसकी फिर मैं प्राइस भी बताता हूँ। ये आ गया आपका स्टोर, स्टोर का एरिया आ गया, ख्याल अब आपको इसकी बल्कि एक और ऊपर बेडरूम में पहले वो देख लें, देन आई विल मूव टुवर्ड्स दी
बारबेक्यू एरिया, ये जनाब इसका एक बहुत ही मैसिव बेडरूम। हाउ मैसिव एंड ब्यूटीफुल द डिज़ाइन इज़, जस्ट लुक एट दिस। खूबसूरत बेड है जी, उसके पीछे जो बेड वॉल है बहुत ही खूबसूरत, उसमें टाइल का वर्क, 17 टाइल यूज़ की गई है, सेटिंग इसके बॉर्डर्स के ऊपर वुडन का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ। इसका फ्लोर मीडिया वॉल आ गई इस साइड पे, इसका वॉशरूम, ओ हो 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 वाव, जस्ट लुक एट दिस मैसिव ह्यूज वॉशरूम। मेरा ख्याल है इस पे पूरा बेडरूम बन सकता है। वाव हाउ मैसिव दिस वॉशरूम इज़। ये जनाब इसका वार्डरोब, यहाँ से आप लोग देखिए जनाब, बहुत ही मैसिव। पोर्टर की वैनिटीज़, कंसील कमोड आ गया, शॉवर का एरिया आ गया यहाँ पर, इसके साथ रेन शॉवर है जी। यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो वाव, जस्ट लुक एट दिस हाउ मैसिव दिस वॉशरूम एंड बेडरूम इज़। लंबाई में डिज़ाइन है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ये मैसिव लग रहा है जी। ये जनाब इसका आ गया बारबेक्यू एरिया जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। नाउ लुक एट दिस, इसमें सिटिंग ऑलरेडी हुई हुई है यहाँ पर, उसके लिए सोफ़ाज़ स्टॉल प्लेस्ड हैं जी बिल्कुल साथ। इसके खूबसूरत सा बैठने का एरिया यहाँ पर, आप इजीली बारबेक्यू और अपनी फैमिली गैदरिंग्स एंजॉय कर सकते हैं जी। ये था जी इस घर का विज़िट टूर। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर, और हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नंबर दिए गए हैं जी, उस पर कॉल कीजिए, विज़िट प्लान कीजिए इस घर का। और घर से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, आर्किटेक्चरल, या इवन घर बनवाना हो तो डू रीच आउट टू अस। आपको इसकी प्राइस बताता चलूँ तो वो है जी इसकी 9 करोड़ 75 लाख रुपीज़ इसकी प्राइस। और हमें ज़रूर कॉल कीजिए हमारे नंबर पे, और आपको घर का विज़िट करवाते हैं और इंशाल्लाह डील क्लोज करवाएंगे। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।